मोशन इन प्लेन में चैप्टर नंबर थर्ड जो हमारे पास में है उसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। ऑन अ टू लेन रोड कार ए इज ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। टू कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शंस विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर ईच। एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी बोथ बींग 1 किलोमीटर बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज। वॉट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। देखिए यहाँ पे अपने को कुछ ऐसा सीन दे रखा है कि अपने पास में ये कार ए है, ठीक है। कार ए को कार बी और कार सी दोनों अप्रोच कर रही है और वो भी अपोजिट डायरेक्शन से कर रही है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए ये आपके पास में एक कार है जो कि बी है और यहाँ पे एक कार है जो कि सी है, ठीक है। अब ये जो सी है ये कार इस तरफ आ रही है और जो कार बी है ये इस तरफ जा रही है और कार जो ए है वो आगे इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो अपने को ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो फ्रंट वाली कार है ये आगे की तरफ जा रही है और बी कार पीछे से इस डायरेक्शन में आएगी इसके पास, है ना, और सी अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। और अब इसके बाद में क्या देखा है, एट अ सर्टेन डिस्टेंस व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब यहाँ पे ए और बी ये जो कार है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है और ए सी के बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, ठीक है। और कितना दे रखा है, 1 किलोमीटर। तो हम लोग किलोमीटर को यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 मीटर में लिख देंगे। ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1000 और ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1000 मीटर, ठीक है। ये हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब इस केस में जब दोनों इक्वल हैं तो उस केस में क्या हो रहा है हमारे पास में कि जो बी कार है ना, यानी कि ये वाली जो कार है ये क्या कर रही है, कार ए को ओवरटेक करना चाहती है सी के ओवरटेक करने से पहले। देखिए यहाँ पे जो सी कार है ना ये क्या होगी, इस तरफ जा रही है ना, और बी कार पीछे से इसके इस तरफ जा रही है। तो जब सी कार ए के पास में जाएगी उससे पहले बी इसको ओवरटेक करके यहाँ पे आना चाहती है ना। सी यहां तक आए इससे पहले बी इसको ओवरटेक करना चाहती है। तो व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। तो कार बी को कितना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा कि ये सी के ए तक पहुंचने से पहले यहां पर पहुंच जाए, ठीक है। ये चीज अपने को बतानी है। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है, देखिए इसको अपन अप्रोच कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। तो वी ए मतलब कार ए की जो वेलोसिटी दे रखी है अपने को क्वेश्चन में वो दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग लिखेंगे 36 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो ये हो जाएगा 36 × 5/18, 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 10, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गई कार ए की वेलोसिटी। कार बी के लिए निकालेंगे, कार बी और कार सी दोनों की जो वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आर है, यानी कि कार बी और कार सी 54 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रहे हैं। इसको अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 54 × 5/18, 18 × 1 = 18, 18 × 3 = 54, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये अपने पास में सिचुएशन आ गई। अब देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना इसको आपको थोड़ा साइन वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग कार्टेशियन प्लान के हिसाब से बात करें तो जो इस तरफ जा रही है उसके साइन हम लोग ले लेंगे पॉजिटिव और जो उधर से इस तरफ आ रही है उसके साइन ले लेंगे हम लोग नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार ए और बी दोनों क्या हो रहा है, राइट साइड में जा रही है, मतलब उस तरफ जा रही है, तो उसके जो साइन आएगा वो जाएगा पॉजिटिव। और कार जो सी है वो इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस तरफ आ रही है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे इसका साइन नेगेटिव। ये हो गई इन तीनों की वेलोसिटी। अब अपने को क्या करना है कि थोड़ी सिचुएशन को समझनी है वापस से। जो सी कार है वो ए तक पहुंचेगी, राइट, उससे पहले बी कार को ए से आगे पहुंचना है, ये क्वेश्चन में दे रखा है अपने को, ठीक है। तो इसके लिए अपने को एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो इसको अपन कैसे करेंगे, देखिए जो सी कार है वो ए तक आएगी, करेक्ट। ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास में, 1000 मीटर है, ओके। और दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट। तो यहां पे हम लोग थोड़ा सा एक रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, किसके बीच की, रिलेटिव वेलोसिटी वी सी ए, यानी कि सी कार की रिलेटिव वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो यहां पे देखिए एक कार इधर जा रही है, एक कार अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो जब दो गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ये निकल जाएगी तुम आपकी वी सी माइनस वी ए, ठीक है। वी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, -15 और
माइनस एज इट इज रहेगा, वी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में 10, तो यहां हम लोग 10 लिख देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा माइनस 25 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी किसकी, सी की, किसके, ए के रेस्पेक्ट में। ओके, अब देखिए यहां पे क्या होगा कि सी कितना डिस्टेंस कवर करेगी ए के पास आने के लिए, 1000 मीटर। ओके, और कितनी स्पीड से, इस रिलेटिव स्पीड से। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे कि सी ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगी। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकालने के लिए हम लोग स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लेने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे कितनी करेंगे, 1000 अपॉन में स्पीड कितनी है 25, तो ये हो जाएगा 25 फोर 100 और 0 एज इट इज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 सेकेंड। देखिए अब 40 सेकेंड क्या चीज़ है, कार सी जो है कार ए तक पहुंचने में 40 सेकेंड लगाएगी। ओके, उसकी जो स्पीड है उसके हिसाब से। अब 40 सेकंड में वो ए तक पहुंच जाएगी, उससे पहले कार बी को ए को क्रॉस करना पड़ेगा। दैट मींस अगर कार बी 40 सेकंड से कम टाइम में ए को क्रॉस कर लेती है तब तो एक्सीडेंट नहीं होगा, और अगर 40 सेकंड से ज्यादा टाइम लगाती है तब कार बी का और कार सी का दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है कि जो बी है वो कितने एक्सीलरेशन से चलेगी ए को ओवरटेक कर जाए सी से टकराने से पहले। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। अब देखिए हम लोगों ने क्यू लगाया और उसको कैसे करेंगे, समझिए एस का मतलब क्या है, डिस्टेंस है किसके बीच का, बी के और ए के बीच का। कार बी और कार ए के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास में, 1000 है। कार बी को क्या करना है, अपने को ओवरटेक करवाना है ना, तो 1000 मीटर के डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा। तो हम लोग एस की जगह कितना लिख देंगे, 1000 इक्वल टू यू का मतलब है वेलोसिटी। तो देखिए यहां पे हम लोगों ने अभी क्या किया था, ए और सी दोनों कार के लिए रिलेटिव वेलोसिटी ली थी, अब हम लोग क्या करेंगे कार बी के लिए रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे ए के रेस्पेक्ट में, है ना, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, यू होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कार बी की वी बी निकालेंगे ए के रेस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वी बी माइनस वी ए, तो ये आ जाएगा हमारे पास में वी बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 माइनस वी ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 10, तो कितना आ गया 5। दैट मींस कार बी जो चलेगी ए के रेस्पेक्ट में, क्योंकि कार ए रेस्ट पर नहीं है, कार ए भी क्या हो रहा है आगे चल रही है और कार बी उसके पीछे चल रही है, तो ऑब्वियसली हम लोग यहां पे क्या लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी कार बी की कितनी है हमारे पास में 5i। अब इसका मतलब क्या है कि जो बी है ना ये 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इसीलिए हम लोगों ने डिस्टेंस 1000 कर दिया। यू की जगह हम लोग कितना लिखेंगे, 5 इंटू टी कितना लेना है अपने को, अभी हम लोगों ने निकाला था, देखिए टी 40 लेंगे। 40 लेने का रीजन क्या है कि 40 सेकंड में सी कार ए तक पहुंच जाएगी, उससे पहले कार बी को अपने को उससे आगे पहुंचाना है, तो इसीलिए टाइम क्या लेंगे 40 ले लेंगे। फिर प्लस हाफ एज इट इज रहेगा इंटू ए की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो एज इट इज रह जाएगा इंटू टी की जगह पे हो जाएगा 40 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू 40 का 5 पे मल्टीप्लाई करोगे 200 प्लस हाफ एज इट इज ए बी एज इट इज इंटू 40 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1600 1600 आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो 2 1 2 2 8 16 00 एज इट इज आ जाएंगे, मतलब कि 800 ए आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000। और ये जो 200 है इसको अपन क्या करेंगे, इक्वल टू से इधर भेज देंगे, तो ये जाएगा माइनस 200 इज इक्वल टू उधर क्या बचेगा 800 ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बचेगा अपना इन दोनों को माइनस करने पर 800 और उधर से 800 को अपन नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा 800 इज इक्वल टू ए। ठीक है, 800 से 800 कटेगा तो ए की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स जो हमारी कार बी थी, कार बी अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन अगर खुद को देगी तो ये ए को क्रॉस कर लेगी सी से टकराने से पहले, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके?